गाइज, अगर आप अपने विंडोज के माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आप इसे ओपन करते हो या डाउनलोड करने के लिए जाते हो, तो आपको कुछ इस तरह का एरर शो होता है। बाय द वे, एरर इनकॉन्टेड से रिलेटेड, वन ऑफ योर अपडेट सर्विसेज इज नॉट रनिंग प्रॉपरली, कुछ इस तरह का एरर शो होता है। तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली किस तरह से कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको आगे बहुत ईजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। तो आपको सबसे पहले तो करना ये है कि अगर बाय द वे आपका जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर एट द टाइम अगर आपके यहाँ पे ओपन रहता है, तो आपको इसे कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद फिर आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है सर्विसेज, और आपको यहाँ पे सर्विसेज को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद फिर आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और आपके यहाँ पे विंडोज अपडेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको ये आपका शो होगा। तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक कर आपको इसके प्रॉपर्टीज में चले जाना है और यहाँ पे आपका सर्विस स्टेटस में, जैसे आप यहाँ पे देखोगे सर्विस स्टेटस में यहाँ पे ये स्टॉप्ड है और स्टार्टअप टाइप में यहाँ पे ये डिसेबल रहता है। अगर बाय द वे आपके यहाँ डिसेबल रहता है या मैनुअल में सेट रहता है, तो आपको इसे ऑटोमेटिक में या ऑटोमेटिक डिले स्टार्ट में आपको यहाँ पे इसे सेट कर लेना है। सेट कर लेने के बाद फिर आपको इसे अप्लाई करना है, फिर आपको यहाँ पे इसे स्टार्ट कर लेना है। इसके सर्विस को स्टार्ट कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे रनिंग में आपको यहाँ पे शो होने लगेगा, फिर आपको इसे ओके कर देना है, फिर आपको इसे कट करना है, फिर आपको अपने डेस्कटॉप पे वन टाइम आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है और आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आई बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे अपने विंडोज के सेटिंग्स को ओपन करना है और अपडेट एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे चले जाना है और आपको यहाँ पे ट्रबल शूट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ट्रबल शूट वाले ऑप्शन पे चले जाना है और आपको यहाँ पे एडिशनल ट्रबल शूटर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और आप यहाँ पे देखोगे विंडोज स्टोर एप्स के रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर आपको यहाँ पे इसे ट्रबल शूट करना है। आपको रन दी ट्रबल शूटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके यहाँ पे ट्रबल शूट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ भी शो हो रहा है डिलीटिंग ए प्रॉब्लम, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा आपके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में तो वो प्रॉब्लम आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ट्रबल शूट हो जाने के बाद फिर आपको इसे कट करना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज को यहाँ पे एक बार रीस्टार्ट भी कर लेना है। जैसे मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा। तो रीस्टार्ट होने के बाद अब मैं यहाँ पे अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को यहाँ पे ओपन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे अगेन किसी भी एप्लीकेशन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे व्हाट्सएप पे यहाँ पे मैं क्लिक किया हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मेरा इंटरफेस शो हो रहा है, जो पहले यहाँ पे इंटरफेस शो नहीं हो रहा था और यहाँ पे एरर शो हो रहा था। अब आप यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन को आप यहाँ पे गेट बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे, तो यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका यहाँ पे परमानेंटली सॉल्व हो गया है। और गाइज, अगर आप अभी तक मेरे अनदर सोशल मीडियाज को फॉलो नहीं किए हो, ज्वाइन नहीं किए हो, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर ले, फॉलो कर ले, और आपको सभी का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे दो तीन फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।